नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेहाल। सलमान खान की फिल्म भारत जून 2019 की बड़ी रिलीज है। फिल्म को ईद के दिन रिलीज किया जाएगा। भारत के लिए सलमान ने काफी मेहनत की है। खुद इस बात को सलमान खान ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी कबूला है कि भारत के लिए उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया है। बहरहाल जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, मगर सलमान खान के लुक की कुल मिलाकर तारीफ हो रही है। सलमान ने हालिया इंटरव्यू में फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बात की है। सलमान खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि मैं इस वक्त दबंग के तीसरे पार्ट की शूटिंग कर रहा हूं। इसके अलावा भारत की रिलीज होने वाली है, इसमें मेरे किरदार की लाइफ के अलग अलग फेज दिखाई जाएंगे। 9 से 27, 27 से 35, 35 से 45 और 45 से 70 वर्ष की आयु की जर्नी दिखाई जाएगी। सलमान ने कहा कि सुल्तान में भी मैंने काफी मेहनत की थी, मगर इस फिल्म में मैंने जितना काम किया है वो बाकी फिल्मों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग लुक्स में ढलने के लिए आपको कभी वजन कम करना पड़ता है तो कभी बढ़ाना पड़ता है। साथ ही ये सब चीजें आपको कुछ समय के भीतर ही करनी होती है। पहले ये सब आसान था, मगर अब मुश्किल लगता है। वही फिल्मों की चॉइस को लेकर भी सलमान से बात की गई और सलमान ने कहा, ये सिर्फ स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलती है तो उसे इस बात का ख्याल आए कि उन्हें फिल्म में मेरे करेक्टर जैसे बॉयफ्रेंड, बेटे या पति की जरूरत है। किसी भी एक्टर को फिल्म बनाते वक्त ऑडियंस की विचारधाराओं के बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल बात अगर फिल्म भारत की करें तो ये 5 जून 2019 को रिलीज होगी। फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कटरीना कैफ है। इसके अलावा इसमें दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और सुनील ग्रोवर भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। बहरहाल बात अगर सलमान के लुक की करें तो इस फिल्म में सलमान खान आपको 5 लुक्स में दिखाई देंगे और सलमान खान के लुक्स की भी काफी तारीफ हो रही है। इतना ही नहीं, फिल्म में अगर सलमान खान के लुक की तारीफ हो रही है तो वहीं कटरीना कैफ और दिशा पटानी के लुक ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा।